माननीय प्रधानमंत्री जी को भारत की जनता की तकलीफों से कुछ लेना देना ही नहीं है। जब तक सुनते नहीं है तो हम आवाज उठाएंगे, जोर से आवाज उठाएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। क्योंकि जनजाति बार बार आवाज किए थे, उनको पुकार किए थे, फिर भी ना सुनने का नाटक करके वो विदेश चला गया है। जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे राज्य की मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जी है। मणिपुर एक भारत के अंदर है और हम लोग भी भारतवासी है। मौजूदा डबल इंजन की सरकार है और जो केंद्र की सरकार है, इनका बेसिकली एजेंडा है देश के अंदर हिंदुत्व के नाम पर फासीवादी मुहिम को थोपना, उनके हिंदुत्व को। असल में हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि मणिपुर के लोग एकजुट हुए हैं। ये लोग कुकी समुदाय के लोग हैं। अभी कल ही आपने देखा था कि मैतेई समुदाय के लोग आए थे, ये लोग कुकी समुदाय के लोग हैं। लगातार मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे जो आगजनी हो रही है उसे रोका जाए। हमारे साथ मैम है, उनसे बातचीत करेंगे कि मैम क्या लग रहा है कि सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर रही है, सरकार आप लोग की बात सुनना क्यों नहीं चाह रही है। इसमें साफ जाहिर होता है कि डबल इंजन है। अभी हम लोगों को उम्मीद है इस हिंसा से जल्द पीस लिया जाए, फिर भी उन्होंने ना सुनने का नाटक की है या फिर पता नहीं है, बल्कि शर्म आनी चाहिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को। उसका सरकार होते हुए भी इसके घर के अंदर एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे में हाथापाई हो रही है। इस आगजनी को जो मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा है, उसको किसको जिम्मेदार मानती हैं? मैं तो साफ साफ कहूंगी, जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे राज्य की मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जी है। उसका सरकार है, खुद मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी, उसके घर में एक छोटा बेटा और बड़ा बेटा का लड़ाई हो रही है, उसके बावजूद भी वो कुछ कर नहीं रहा है, बल्कि उसको अपना पोस्ट से रिजाइन करना चाहिए। सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही हैं आप लोग, जो मणिपुर के सीएम हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आप देखेंगे तो वो तो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। हाँ, अपना वही तो कह रही थी मैं, डबल इंजन होते हुए भी वो कुकी जनजाति बार बार आवाज किए थे, उनको पुकार किए थे, फिर भी ना सुनने का नाटक करके वो विदेश चला गया है। इसमें साफ जाहिर होता है हम लोगों को अपना देशवासी नहीं समझते हैं या क्या, नहीं उनका मन में क्या चल रहा है। मणिपुर भी भारत का ही हिस्सा है, लेकिन मणिपुर के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मणिपुर एक भारत के अंदर है और हम लोग भी भारतवासी है, उसमें भेदभाव हो रहा है, इस वजह से उसका मन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो खुद जाने, लेकिन हम इंडियन है, वी आर इंडियन, और हम भारतवासी है। हमारे मांग यही है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, और जब तक हमें अलग प्रशासन नहीं देते तब तक हम लड़ेंगे, यही हम लोगों का मांग है। प्रधानमंत्री जी अन्य राज्यों में जाते हैं, बालासोर की घटना होती है, वहां रातों रात पहुंच जाते हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? हमें तो ये लग रहा है बस उसको राजनीति में, अगर इलेक्शन होगी तो तुरंत भाग के चला जाता है, बाद बाकी में वो भूल जाते हैं बाद बाकी हिस्से में। वोट की राजनीति चल रही है, सॉरी, भारत में वोट की राजनीति चल रही है, सिर्फ वोट लेना होता है तब मणिपुर जाते हैं। हाँ, अगर देखा जाए तो अभी की स्थिति से तो साफ जाहिर होता है, यही है, यही चल रहा है। क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से मणिपुर धू धू जल रहा है, सरकार कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही? ये उसको आप खुद अंदर में सोच के आप बताना चाहिए ना, हमको क्या बताएंगे। अगर किसी ने आप
देखो आपने किसी को आप बुलाया, अगर उसने आप आवाज नहीं दिया, इफ ही डजंट आंसर यू बैक देन व्हाट कैन यू से। तो हम तो हमारा साइड में तो आवाज उठाना ही पड़ेगा, जब तक सुनते नहीं है तो हम आवाज उठाएंगे, हमारे इससे भी आप जोर से आवाज उठाएंगे। कितनी दिक्कतें, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है मणिपुर के लोगों के जो वहाँ पे रह रहे हैं? काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप वहाँ पे आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आप एक एक घंटा एक दो घंटा के लिए आते हैं, तो आप बच्चे लोग आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जितने भी आप स्कूल्स होते हैं रिलीफ सेंटर्स बना लिया, रिलीफ सेंटर्स आप जितने भी डिस्प्लेस पीपल है, देयर आर मोर देन 50,000 डिस्प्लेस पीपल। और भी लोग हैं, महिला संगठन के लोग भी समर्थन के लिए आए हैं। मैम क्या कहेंगी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करने पहुंच जाते हैं लेकिन अपने ही भारत में मणिपुर जल रहा है, उसको कैसे देखती हैं? भारत के प्रधानमंत्री जी भारत की जनता को कम्युनल एजेंडे के ऊपर डिवाइड करना और इनकी जो आरएसएस बैक्ड की बीजेपी गवर्नमेंट है, ये किस तरीके से मणिपुर के अंदर जो जनता के अंतर विरोध है उसको अपनी फांसीवादी मुहिम को पूरा करने के लिए धार्मिक आधार पर विभाजित कर रही है, यही इनका रवैया दिखा रहा है। और ये साथ में ये भी दिखाता है कि मोदी साहब जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को भारत की जनता की तकलीफों से कुछ लेना देना ही नहीं है। भारत की औरतें सड़कों पर थी, जब महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिल रहा उनसे तब एक शब्द नहीं बोला गया। भारत का पूरा सीमांतीय प्रदेश जल रहा है, मगर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी वो अभी अमेरिका में है, लेकिन जब वो भारत में थे तब भी उनसे एक शब्द नहीं बोला जा रहा था। 52 दिनों के बाद आज उन्होंने एक माननीय गृह मंत्री साहब ने एक ऑल इंडिया ऑल पार्टी बैठक बुलाने की चेष्टा की है। तो हम ये कहना चाहते हैं पूरे देश के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और उनके आरएसएस समर्थक, आरएसएस के बैक्ड, आरएसएस से संरक्षित सरकार जिस तरीके से देश की जनता को धर्म के नाम पर बांटकर देश के अंदर कंपनी राज की जड़ों को मजबूत करना चाहती है, कंपनी राज के हवाले सब कुछ करना चाहती है, वही वो मणिपुर में भी कर रहे हैं। जब आदिवासियों से, मणिपुर के आदिवासियों से उनके जल जंगल जमीन को छीनते हुए उनको उनके संसाधनों से महरूम करने की कोशिश की जा रही है, मगर हम जानते हैं कि जिस तरह से मणिपुर की जनता ने 1917 से 1919 में एंग्लो कुकी वॉर पूरे दुनिया में फेमस है, और उसी तरीके से भारत की जनता अंग्रेजों के खिलाफ लड़के अंग्रेजों को हटा दिया, तो ये अंग्रेजों के दलाल, ये साम्राज्यवादी ताकतें, ये क्या चीज़ है? भारत की जनता इनको भी मेन स्ट्रीम मीडिया दूसरी तरफ दिखा रही है कि विदेशों में भी प्रधानमंत्री के वाह मोदी के नारे लग रहे हैं, मोदी मोदी किया जा रहा है, और मेन स्ट्रीम साथ साथ सोशल मीडिया में ये भी सामने आ रहा है किस तरीके से ट्रक के ट्रक घूम रहे हैं ये दिखाते हुए कि जो है पहलवानों के साथ कैसे अन्याय हुआ, मोदी सरकार दलितों के साथ कैसे कर रही है, और मोदी और मणिपुर को किस तरह से जलाया जा रहा है, ये भी चीज़ें हो रही है वहाँ पर, ये भी मीटिंग्स और ये भी ये वो लड़कियाँ भी खड़े होकर के अपना भाषण दे रही हैं किस तरीके से जनवादी अधिकारों का हनन करते हुए लोगों को बिना ट्रायल के अनेकों दिनों तक जेलों में रखा जा रहा है। ये सभी चीज़ें हैं और ये दिखाती हैं कि बेशक मेन स्ट्रीम मीडिया ना दिखाए मगर उनके दिखाने ना दिखाने से सच को कोई असर नहीं पड़ता, जनता संघर्ष में है और जनता इनकी विभाजनकारी जो इनके मंसूबे हैं उनको नाकाम करेगी। दो समुदाय के बीच में जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है उसको कैसे देखती हैं कि शांत कराने में जहाँ सरकार का हाथ होना चाहिए वहीं सरकार अनसुना कर रही है, अनदेखा कर रही है? देखिए सरकार पूरी तरह से एक विशेष समुदाय की मदद कर रही है, और इसीलिए जो है ये, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि बिना सरकारी संरक्षण के, बिना राजकीय संरक्षण के एक ही कम्युनिटी को अटैक किया जाएगा, चर्चेस को जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है और जिस तरीके से आदिवासियों के ऊपर लगातार हमला हो रहा है, ये एक्चुअली हम फिर से इस बात को दोहराना चाहते हैं, जो मौजूदा डबल इंजन की सरकार है और जो केंद्र की सरकार है इनका बेसिकली एजेंडा है देश के अंदर हिंदुत्व के नाम पर फांसीवादी मुहिम को थोपना, और ये भी हम कहना चाहते हैं इनके हिंदुत्व को असल में हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है, इनका हिंदुत्व उच्च जातीय पितृसत्तात्मक अहंकारवाद जो कॉरपोरेट की सेवा में नतमस्तक है, इनका हिंदुत्व वही है, और यही चीज़ मणिपुर के जनता भी
जरूर समझ रही है और मणिपुर की जनता और पूरे देश की जनता इनके वास्तविक मंसूबों को समझ के उनको नाकाम करेगी और देश के अंदर से साम्राज्यवाद और कंपनियों के दलालों, ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के दलालों के राज को वो शिकस्त देगी भारत की जनता। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ प्रगतिशील संगठन की मैडम थी, इन्होंने संगठन के माध्यम से इस प्रदर्शन को समर्थन दिया और तमाम लोग हैं आए हुए हैं मणिपुर के, अपने किस प्रकार से इतना परेशान है वहाँ के लोग कि न रहने को घर है और सारी चीज़ें उजड़ चुकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश का दौरा कर रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।